आखिरी बॉल पर विजयश्री, जी हाँ, कुछ ऐसा ही हो रहा भांडेर का मुकाबला, जहां 72 साल के मिथक को तोड़ते हुए बीजेपी की रक्षा सरोनिया ने जीत दर्ज की। आखिर वो मिथक क्या है और कांग्रेस से कैसा रहा मुकाबला, देखिए रिपोर्ट में। भांडेर विधानसभा सीट पर पहले राउंड की गिनती से शुरू हुआ सस्पेंस अंतिम राउंड की गिनती तक जारी रहा। वोटों की गिनती की शुरुआत में पहले राउंड के बाद कांग्रेस के फूल सिंह बरैया को 3501 वोट और बीजेपी की रक्षा सरोनिया को 2336 वोट मिले और बरैया ने 1165 वोट की लीड ले ली, जो चौथे राउंड तक बरकरार रही। पांचवें राउंड के बाद पासा पलट गया और रक्षा सरोनिया 254 वोट से आगे हो गई। 11वें राउंड में मुकाबला किसी सस्पेंस फिल्म की तरह बहुत दिलचस्प हो गया। बीजेपी और कांग्रेस के वोट बराबर हो गए, लेकिन 12वें राउंड के बाद रक्षा सरोनिया ने फिर बढ़त ले ली और 71 वोट से आगे हो गई। राउंड दर राउंड दिलचस्प हो रहे मुकाबले में 12वें राउंड में 71 वोट की बढ़त लेने के बाद रक्षा सरोनिया 13वें राउंड में फिर पिछड़ गई, लेकिन 14वें राउंड के बाद फिर 66 वोट से आगे हो गई। हालांकि 15वें राउंड में पिछड़ने के बाद 17वें राउंड में वो फिर आगे हो गई। अंततः 161 वोट से जीत हासिल कर ली और इस जीत के साथ ही 72 साल से अटूट इस मिथक को भी तोड़ दिया कि भांडेर से कोई जनप्रतिनिधि दोबारा नहीं जीत सकता। इस मिथक को तोड़ने में उनके प्रतिद्वंदी कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया के वायरल वीडियो की बड़ी भूमिका रही, जिसमें वो हिंदू धर्म, उच्च जातियों और रानी लक्ष्मीबाई के बारे में अभद्र भाषा बोलते नजर आए। माना जाता है कि फूल सिंह बरैया जिस तरह की भाषा बोलते हैं वो हिंदुत्ववाद के विरोधी भाषा है, सामान्य जात के विरोधी भाषा है, जिसका भी असर उनके मतदान पर पड़ा और उनको भांडेर क्षेत्र में हार का सामना करना पड़ा। कश्मकश भरे इस मुकाबले में रक्षा सरोनिया ने अंततः 161 वोट से जीत हासिल कर भांडेर के चुनावी इतिहास के उस मिथक को भी तोड़ दिया। रक्षा सरोनिया ने अपनी जीत का श्रेय ज्योतिरादित्य सिंधिया, बीजेपी कार्यकर्ताओं और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को दिया। मेरे साथ गृह मंत्री जी जब मेरे साथ खड़े थे तो मुझे तो दोबारा जीत नहीं था, क्योंकि जनता का पूरा विश्वास था। दादा और सिंधिया जी में विश्वास करती हूँ। भांडेर का चुनाव किसी सुपर हिट सस्पेंस थ्रिलर फिल्म की तरह रहा और मतगणना बिल्कुल 2020 क्रिकेट मैच की तरह, जिसमें रक्षा सरोनिया आखिरी बॉल पर विजय रही और 72 साल पुराने मिथक को तोड़ दिया, जिसके चलते कोई भी जनप्रतिनिधि दोबारा चुनाव लड़ने से कतराता रहा है। अशोक शर्मा, न्यूज 18, दतिया।